दोस्तों 8 मार्च महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस बार यानी 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन बना दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग सर्वार्थ सिद्धि योग शिव योग सिद्धि योग 12 राशियों में से 6 राशियां होंगी करोड़पति माला माल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस बार महाशिवरात्रि पर 12 राशियों में से 6 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। स्वयं भगवान भोलेनाथ अब इन 6 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट दूर करने वाले हैं और अब इन 6 राशि वालों के जीवन में आने वाली है भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियां ही खुशियां, जिससे इन 6 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आखिर ये भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है जो कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस बार 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन करोड़पति बनने वाली है। ये 6 राशि वाले इस दिन महाशिवरात्रि के दिन धन से मालामाल होने वाली हैं। इस वीडियो में आपको उन्हीं 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो इन 6 राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हर हर महादेव भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती का विवाह उत्सव मनाया जाता है। इस दिन को हम महाशिवरात्रि कहते हैं। इस साल महाशिवरात्रि का महापर्व 8 मार्च को है। मान्यता है कि इस दिन जो पूर्ण श्रद्धा के साथ शिव शंभु की आराधना करता है उसे उत्तम जीवन साथी मिलता है, साथ ही धन संतान स्वास्थ्य संबंधी हर परेशानी का अंत होता है। इस बार की महाशिवरात्रि बेहद ही खास मानी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि पर ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिसमें भगवान शिव की उपासना का आपको शीघ्र फल प्राप्त होगा। आपको हम बता दें कि इस साल 2024 में महाशिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च दिन शुक्रवार को है। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को होती है। इसे फाल्गुन मासिक शिवरात्रि भी कहते हैं। जानकारों की माने तो इस बार महाशिवरात्रि पर 4 शुभ संयोग बनने वाले हैं। महाशिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र और शिव योग के साथ मकर राशि का चंद्रमा होगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग और सिद्धि योग भी बनेगा। इन 4 शुभ संयोग में महाशिवरात्रि की पूजा शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाली है। आपको बता दें कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च शुक्रवार रात 9:57 से फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 9 मार्च शनिवार शाम 6:17 पर होगी। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में आप जो कार्य करेंगे उस कार्य की सिद्धि होगी, यानी सफलता की प्राप्ति होगी। यदि सर्वार्थ सिद्धि योग शुक्रवार या गुरुवार के दिन बनता है तो उस दिन कोई भी तिथि हो उसके प्रभाव का क्षय नहीं होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में महाशिवरात्रि की पूजा आपके मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अच्छा है। वही आपको बता दें, शिव योग में साधना मंत्र जाप आदि के लिए अच्छा होता है। महाशिवरात्रि के दिन बना शिव योग आपको शुभ फल प्रदान करने वाला है। महाशिवरात्रि की निशिता पूजा मुहूर्त के समय सिद्धि योग
होगा और महाशिवरात्रि व्रत के पारण के समय भी सिद्धि योग है। इस योग के स्वामी गणेश जी हैं जो शुभता और सफलता प्रदान करते हैं। वे विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाले हैं। इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। किसी भी कार्य में सिद्धि के लिए इस योग को प्राथमिकता देते हैं। महाशिवरात्रि पर आप इस योग में जिस भी मनोकामना से शिव पूजा करेंगे वो पूर्ण हो सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि इस बार महाशिवरात्रि में श्रावण नक्षत्र भी बन रहा है। इस नक्षत्र के स्वामी शनि देव हैं और वे भगवान शिव के परम भक्त हैं। इस नक्षत्र में जो भी कार्य किए जाते हैं वे सामान्यतः शुभ माने जाते हैं। जो लोग श्रवण नक्षत्र में जन्म लेते हैं वे धनी, सुखी और प्रसिद्ध होते हैं। शनिवार के दिन श्रवण नक्षत्र अतिशुभ माना जाता है। दोस्तों आपको बता दें, इस दिन भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक अवश्य करें, इससे समस्त दोष समाप्त हो जाएंगे। भगवान शिव की महिमा निराली है। भोलेनाथ की उपासना करने वाले देवी देवता, मनुष्य, गंधर्व या राक्षस, भूत प्रेत सभी को उनका आशीर्वाद मिला। कहते हैं कि महाशिवरात्रि पर किसी ऐसी शिवलिंग का दूध से अभिषेक जरूर करें जहां लंबे समय से पूजा नहीं की हो। मान्यता है कि इससे हर तरह के दोष जैसे पितृदोष, ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। इस दौरान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन आप भगवान भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की भी पूजा करें। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं उन 6 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में जो कि इस बार की महाशिवरात्रि के दिन धन से मालामाल होंगी। इन 6 राशि वालों को करोड़पति बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। चलिए बात करते हैं उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन पर इस बार की महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष कृपा होने वाली है। दोस्तों उन भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि आती है दोस्तों वो राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें, इस बार महाशिवरात्रि पर मेष राशि वालों पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि सबसे अधिक बनी रहेगी, जिससे आपको इस समय में धन लाभ प्राप्ति की अधिक से अधिक संभावना है। साथ ही साथ में इस राशि वाले लोगों के व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होगी और साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उनको पद में तरक्की मिलेगी और साथ ही साथ वेतन में वृद्धि के भी योग बन रहे हैं। जो व्यक्ति विदेश में नौकरी करना चाहते हैं उन व्यक्तियों को विदेश में नौकरी प्राप्त होने की संभावना भी लगभग बन चुकी है। भगवान शिव की कृपा से समस्त मनोकामनाएं मेष राशि वालों आपके पूर्ण होने वाले हैं। आपकी आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार में अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। आपके समस्त कार्य बनने वाले हैं। धन लाभ प्राप्ति के योग हैं और साथ ही साथ आपको बता दें घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, इसलिए मेष राशि वालों इस समय का भरपूर लाभ उठाएं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। इस लिस्ट में जो दूसरी राशि आती है दोस्तों वो है तुला राशि। तुला राशि वालों आपको बता दें, इस बार की जो महाशिवरात्रि है आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आने वाली है। भगवान महादेव आपके ऊपर यानी तुला राशि वालों के ऊपर सबसे अधिक प्रसन्न हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। साथ ही साथ आपको शुभ अवसर भी प्राप्त होंगे। इन अवसरों को पाकर आपकी आय में वृद्धि होगी। आय के नए संसाधनों में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपको धन लाभ प्राप्ति होगी जिससे चारों तरफ से बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी।
आपको घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। महादेव की कृपा से अचानक धन लाभ प्राप्ति की संभावना है, जिसे घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। नया वाहन या फिर मकान भी खरीद सकते हैं। इसके लिए शुभ योग तुला राशि वालों आपके लिए बन रहे हैं। महादेव की कृपा इस बार महाशिवरात्रि पर आपको विशेष रूप से बनी हुई है। समय का लाभ उठाएं। तीसरी राशि दोस्तों यहाँ पर है जिस पर भगवान महादेव की कृपा होगी, वो है कुंभ राशि। इस बार महाशिवरात्रि पर आपको बता दें, भगवान महादेव की कृपा से इस बार महाशिवरात्रि पे आपको कोई शुभ संदेश मिलने के योग हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको आर्थिक लाभ मिलने वाला है। पहले से ज्यादा आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। साथ ही साथ परिवार और जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे। भगवान शिव की कृपा कुंभ राशि वालों आप पर बनी हुई रहेगी, जिसकी वजह से आपके धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वे अब दूर होंगी और साथ ही साथ आपके जो भी रुके हुए कार्य थे वे सफलतापूर्वक पूरे होंगे, क्योंकि महादेव की कृपा से कुंभ राशि वालों इस बार की जो शिवरात्रि है आपके लिए धन लाभ प्राप्ति के योग बना रही है, जिससे घर परिवार में आपके खुशियां ही खुशियां होंगी। नौकरी करते हैं तो नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है और साथ ही साथ वेतन वृद्धि भी हो सकती है। यदि आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो आप शुरू करिए, क्योंकि इस समय आपके पक्ष में है महादेव की कृपा से अब आपको हर कार्य में लाभ ही लाभ मिलने वाला है। समय का भरपूर लाभ उठाएं। चौथी राशि दोस्तों यहाँ पर आती है कन्या राशि। कन्या राशि वालों आपको बता दें कि महादेव की कृपा से इस बार की जो महाशिवरात्रि है आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आने वाली है। आपको बता दें कि महादेव की कृपा से कन्या राशि वालों आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपको ना केवल धन लाभ होगा बल्कि आपको व्यापार में भी खूब वृद्धि देखने को मिलेगी। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आप करेंगे और साथ ही साथ इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में तरक्की मिलने के पूरे योग बन रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो वे सपना भी इनका अब जल्दी ही पूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसके भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके सभी कार्य अब सफलतापूर्वक हो जाएंगे। आपको धन लाभ प्राप्त होगा। आप नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधित ये समय आपके लिए अत्यंत लाभ देने वाला रहेगा। समय का भरपूर लाभ उठाएं कन्या राशि वालों, क्योंकि देवों के देव महादेव आपकी राशि वालों के ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। इस बार महाशिवरात्रि पर पांचवी राशि दोस्तों यहाँ पर आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों आपको बता दें, आपको आपकी मेहनत का पूर्ण फल मिलने वाला है, क्योंकि बहरहाल महादेव की कृपा सिंह राशि वालों आपके ऊपर इस समय बेहतरीन परिणाम लेकर आने वाली है। महादेव आपके ऊपर सबसे अधिक प्रसन्न हैं। आपको बता दें, आपको ना केवल मान सम्मान प्राप्त होगा बल्कि समाज में आपकी काफ़ी तारीफ भी की जाएगी। इसके अलावा आपको कई ऐसे नए अवसर मिल सकते हैं जिससे आपके जीवन में पूर्ण रूप से अच्छा बदलाव होगा। इसके साथ ही आपको काफी धन लाभ भी होगा। जहां एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा, वहीं दूसरी तरफ आपको व्यापार में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। सिंह राशि वालों कहना गलत नहीं होगा, देवों के देव महादेव की कृपा से भगवान भोलेनाथ की कृपा भी इस बार की जो महाशिवरात्रि है आपके लिए बहुत ही शुभ
परिणाम लेकर आएगी। आपको चारों तरफ से खुशखबरियां मिलेगी। धन लाभ प्राप्ति के अनेकों योग हैं। प्रॉपर्टी संबंधित ये समय आपके लिए अत्यंत लाभप्रद साबित होगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा साबित होगा और साथ ही साथ संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए संतान प्राप्ति का भी सुख प्राप्त होगा। जबरदस्त सिंह राशि वालों, आपके लिए इस बार की महाशिवरात्रि पर योग है। धन लाभ प्राप्ति के लिए बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, इसलिए समय का भरपूर लाभ उठाएं और भगवान भोलेनाथ की आप उपासना में रहें, आपकी आपके समस्त कार्य बनेंगे। छठी राशि दोस्तों यहाँ पर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर इस महाशिवरात्रि पर बहुत अधिक पड़ने वाले हैं, क्योंकि मिथुन राशि वालों, आपके जीवन में जो भी दुख दर्द संकट कष्ट हैं वे अब दूर होंगे, छूमंतर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर ऐसी पड़ गई है जिससे आपको आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं मिली होगी जो कि आपको इस बार महाशिवरात्रि पर मिलेगी। जी हाँ, आपको बता दें इस बार आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलने वाला है। इसके अलावा आपके सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, साथ ही साथ आपको अपने दोस्तों का, परिवार का, सबका भरपूर साथ मिलेगा। भगवान शिव की असीम कृपा आपके ऊपर इस बार महाशिवरात्रि पर बनी हुई है, जिसकी वजह से धन संबंधित सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और खूब धन वृद्धि होगी। आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। मिथुन राशि वालों, चारों तरफ से बड़ी बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होंगी। प्रॉपर्टी संबंधित ये समय अच्छा रहेगा। नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। संतान प्राप्ति का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी का आपको भरपूर साथ मिलेगा। कहने का मतलब है कि ये समय मिथुन राशि वालों, महाशिवरात्रि का जो है भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। समय का भरपूर लाभ उठाएं। दोस्तों, ये थी वो राशियां जो कि इस बार महाशिवरात्रि के दिन धन से मालामाल होगी। इन छह राशि वालों को धन लाभ प्राप्ति के अनेकों योग प्राप्त होंगे। आपको बड़ी बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होंगी। महादेव की कृपा इन छह राशि वालों पर इस महाशिवरात्रि पर पड़ने वाली है, जिससे इन छह राशि वालों का जीवन अब खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।